नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर बिहार पर। बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार जो है अस्पतालों का निरीक्षण करते रहते हैं और एक बार फिर उसी क्रम में अचौक निरीक्षण करने पहुंच गए हाजीपुर के सदर अस्पताल में और वहां पे जो है अचौक निरीक्षण के दौरान वहां का जायजा लिए कि किन किन चीजों की कमी है, कहाँ पे क्या कमी दिखाई दे रही है। मरीजों से भी उनका हालचाल लिए कि डॉक्टर समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं, दवाओं की उपलब्धता है कि नहीं है। और इस निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने कहा कि हम लोग जो योजनाएं बनाते हैं वो जमीन पर कितना उतर रही है, जमीन पर ही आकर पता लगेगा। इसी क्रम में हम लोग आए थे, जो कमी है उसकी जानकारी लें और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जरा आप भी सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। हकीकत ग्राउंड रियलिटी, जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जाकर के चीजों को जमीनी स्तर पर ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई चीजें जो है सुधरी है, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीजें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की जरूरत है। रेफरल पॉलिसी की रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हो या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नजर आती है और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और वो किस तरीके से बता रहे हैं कि वो अचौक निरीक्षण करने के लिए क्यों पहुंचे थे और उस दौरान उन्हें क्या कमी और क्या अच्छाई क्या बुराई दिखी है। खैर, आप सबकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।